आज के समय में 80% से भी ज्यादा लोग सिर्फ एक प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं दोस्तों, वो प्रॉब्लम है हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, हमारे फेफड़ों का एक तरह से डैमेज कंडीशन में होकर काम करना, हमारे फेफड़ों का मजबूत ना रहना, हमारे फेफड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम लग जाना, ये आज के समय में एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे मैं कुछ कारण यहाँ पे आपको बताऊंगा जिन कारणों की वजह से आपके फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर में बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या अन्य कई तरह की प्रॉब्लम्स, या फिर बलगम का बहुत ज़्यादा जमना, गंदगी बहुत ज़्यादा होना, टॉक्सिन्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे जमा होना, ये सारे की सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली आती है हमारे गलत खान पान की वजह से। जब हम अत्यधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में रेगुलर रूप से तले भुने खाने का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, ऑयली खाने का इस्तेमाल, जब ऐसे ऐसे खाने का इस्तेमाल जब हम रेगुलर रूप से कंटिन्यू करते रहते हैं, तो ऐसे में उसका सीधा का सीधा इफेक्ट हमारे फेफड़ों के ऊपर पड़ना चालू हो जाता है। क्योंकि ऐसा होने से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी हाई होने लगता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ में कफ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों के अंदर में बढ़ जाती है। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जब बार बार होने लगती है तो आदमी को सांस संबंधी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। सांस के रोग होना, खांसी की प्रॉब्लम होना, गले में खराश होना, सांस खुल के ना आना, या फिर सांस लेते टाइम पे खिंचाव का महसूस करना, जब ऐसी ऐसी समस्याएं जब व्यक्ति को होने लगती हैं, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा कि उसके फेफड़ों के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फेफड़ों के अंदर जख्म हो गए हैं, या फेफड़ों के अंदर बलगम का बहुत ज़्यादा जमाव हो गया है, या फिर इसके अलावा फेफड़ों के अंदर में गंदगी हो गई, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या इसके अलावा दोस्तों फेफड़ों के अंदर किसी अन्य तरह का इन्फेक्शन हो गया है। तो इन सारे की सारी तमाम प्रॉब्लम्स की यहाँ पे मैंने बात करी, इसके पीछे जो रीजन है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी, लेकिन एक ऐसा कॉमन रीजन और भी है इसके अलावा जो ज़्यादातर केसेस के अंदर देखा जाता है दोस्तों, वो है स्मोकिंग करना। जो लोग अत्यधिक बीड़ी सिगरेट यानी धुएं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उनके लंग्स भी धीरे 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 डैमेज होना चालू हो जाते हैं। और एक तरह से जैसे कई बार आपने नोटिस किया होगा कि धुएं वाली जगह पे, वहाँ पे छत लगा लीजिए या फिर आसपास की दीवार लगा लीजिए, वो बिल्कुल एकदम काले रंग की और एकदम ब्राउन हो जाती है, ऐसे ही हमारे फेफड़े अंदर से जल जाते हैं बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में स्मोक करने की वजह से। क्योंकि वो जो धुआं, गरम गरम धुआं जब हमारे अंदर में एंट्री करता है तो सीधा का सीधा हमारे फेफड़ों के ऊपर वो इफेक्ट डालता है, और उसकी वजह से हमारे फेफड़े इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके अंदर में एक तरह से एक लेयर जम जाती है गंदगी की, यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम की वजह से, वही सांस संबंधी प्रॉब्लम अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा, व्यक्तियों को हो जाती है। तो आज इस फेफड़े संबंधी प्रॉब्लम से आपका परमानेंट छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसा घरेलू उपाय आप लोगों के बीच में आज मैं शेयर करने वाला हूँ, जो बड़ा ही इफेक्टिव है, और कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करने से आपके फेफड़े संबंधी सारी की सारी प्रॉब्लम, चाहे इन्फेक्शन है, चाहे उस पर डस्ट की लेयर जम गई है, चाहे धुआं जम गया है, या फिर वो डैमेज कंडीशन में है, फेफड़े से रिलेटेड सारे की सारी तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी का आप चुटकी के हिसाब से अंत कर सकते हैं, और अपने फेफड़ों को पहले की तरह जवान और एकदम नया बना के, मजबूत बना के आप रख सकते हैं, ताकि आपको ब्रीथिंग के टाइम पे एक अच्छी और खुल के सांस आए। तो उसके लिए दोस्तों आपने ये नुस्खा जरूर ट्राई करना चाहिए जो आज मैं आपके बीच में यहाँ पे लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। अब दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे तीन चार इंग्रेडिएंट आपने लेने हैं, तीन चार चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें बड़ा ईजिली आपको मिल जाएंगी आप अरेंज करके। अब बनाने का तरीका यहाँ पे समझिए क्या लेना है। देखिए सबसे पहले आपने सौंठ लेनी है, सौंठ आपने 20 ग्राम लेनी है, मुलहठी आपने 20 ग्राम लेनी है, काली मिर्च आपने 5 ग्राम लेनी है। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ उतनी ही क्वांटिटी से आप दवाई बनाएंगे तो आपको बहुत एक ज़बरदस्त इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, और फेफड़ों की सारी गंदगी बहुत कम समय में आप एकदम बाहर कर सकते हैं और फेफड़ों को एकदम डिटॉक्स कर सकते हैं, ये ऐसा एक प्रयोग लेके आए। अब दोस्तों प्रयोग बनाने का यहाँ पे यानी कि नुस्खा बनाने का तरीका समझिए, आपने मुलहठी को और साथ में जो सौंठ है 20 ग्राम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है, कूट के आपने पाउडर बना लेना है, साथ में जो 5 ग्राम काली मिर्च आप लेके आए उसको भी आपने पीस के पाउडर कर लेना है। अब दोस्तों इन तीनों चीज़ों को पीस के कपड़ छान कर लें, यानी कि सूती कपड़े में से आप इनको छान लें, छानने के बाद में इसमें आपने 3 से 4 चुटकी यानी कि करीब करीब 3 से 4 ग्राम लगा लीजिए यहाँ पे, आपने हल्दी पाउडर डालना है
और हल्दी पाउडर जो आप डालेंगे वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, जो घर में हम गांठ को पीस के ग्राइंड करके जो हल्दी पाउडर बनाते हैं उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ है, और जितनी आपने हल्दी डाली है इतनी ही मात्रा में आप इसमें सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर आप इसमें डालिए। सारे के सारे पाउडर्स को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक जगह पे और किसी कांच के बर्तन में डाल के आप रख लीजिए। अब दोस्तों लेने का तरीका यहाँ पे समझिए, ये प्रयोग आपने इसको आप सुबह भी ले सकते हैं और रात को सोते टाइम भी आप ले सकते हैं, दोनों टाइम पे आप इसको ले सकते हैं। दोनों टाइम अगर रात को लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, सुबह खाली पेट में लेंगे तो भी आपको इसमें ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट मिलेगा, बस थोड़ा 19 और 21 का यहाँ पे फर्क देखने को मिलेगा। रात वाला ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि उस टाइम पे आपका शरीर आराम करता है और आपके जो अंग हैं वो आपका उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। अंदर से डाइजेशन सिस्टम हो गया, हमारे फेफड़े हो गए, हमारा श्वसन प्रणाली जितनी भी है वो हो गई है, हमारे लंग्स, इसके अलावा हमारी किडनी, हमारे सारी की सारी चीज़ें एकदम एक्टिव होके वो अपना कार्य करती रहती हैं जब हम निद्रा में होते हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा आपको इफेक्ट इसका एक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसका सेवन आपने करना है शहद के साथ में। अब शहद कौन सा लेना है, देखिए छोटी मधुमक्खी का देसी शहद ओरिजिनल ये आपने एक चम्मच लेना है, बड़ा चम्मच एक चम्मच लें। इस पाउडर का आधा चम्मच आपने शहद में अच्छे से मिलाना है और अपनी हथेली पे रखना है और उसको अपनी जीभ से चाटना है। दोस्तों ये जो प्रयोग है मैं यहाँ पे इतना यकीन दिला के आपको बोल सकता हूँ कि इस प्रयोग को अगर आप 2 से 3 या 4 बार मैक्सिमम अगर आप ले लेंगे, जिनको बहुत ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है वो इसको 1 हफ्ता तक भी ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, किसी अन्य तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आपको इससे नहीं होने वाली है। तो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, अपने बीमारी के हिसाब से आप इसका सेवन करिए, कम से कम 2 से 3 दिन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता आप इसका सेवन करिए, रेगुलर रूप से करिए। इन बिटवीन यानी कि इसके ट्रीटमेंट के दौरान, नुस्खा लेने के दौरान आपने कुछ चीज़ों का यहाँ पे परहेज भी करना है, जैसे खट्टी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, कोई भी नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब का नशा या फिर दूसरी अन्य तरह कोई भी नशा आपने नहीं यूज़ करना, सेवन आपने नहीं करना है। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करिए और अपने फेफड़ों को मात्र 4 से 5 दिन में एकदम एक्टिव बनाइए, उनके अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालिए, उनको एकदम नया बनाइए, ताकतवर बनाइए और एक्टिव बनाइए, ताकि अपनी सांस संबंधी प्रॉब्लम और इसके अलावा फेफड़ों संबंधी प्रॉब्लम आपकी चुटकी के हिसाब से दूर हो जाए। तो दोस्तों आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, अगर आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास अगर यूजफुल लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए हमेशा आगे फ्यूचर में लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।